तपासणीसाठी आलेल्या एका गर्भवती महिलेला रुग्णालयातील महिला सिक्युरिटी गार्डने काठीने मारहाण केल्याचा आरोप पीडित महिलेच्या पतीने केला आहे। 4 महिन्याची गर्भवती असलेली पीडित महिला तपासणीसाठी मंगळवारी श्यामनगर येथील स्त्री रुग्णालयात आपल्या पतीसोबत आली होती। रांगेत थांबण्याच्या कारणावरून पीडित महिला आणि महिला सिक्युरिटी गार्ड यांच्यामध्ये वाद झाला। याच वादातून महिला सिक्युरिटी गार्डने महिलेच्या पोटात काठीने मारहाण केली असा आरोप पीडित महिलेच्या पतीने केला आहे। दरम्यान घटनेनंतर पीडित महिला अस्तव्यस्त झाली होती। तब्येत खालावल्याने त्या महिलेला तात्काळ विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। एका खाजगी कंपनीकडून या रुग्णालयाला सुरक्षा कर्मचारी पुरवण्यात आले आहे। घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्याने रुग्णालयात धाव घेतली, पण त्या महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यावर कुठलीच कारवाई केली नाही। दरम्यान या प्रकरणी पीडित महिलेच्या पतीने महिलेविरोधात विमानतळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे। रुग्णालयातील या खाजगी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांविरोधात अनेक तक्रारी येत असतात, पण कंपनीकडून मात्र कुठलीच कारवाई केली जात नाहीये। मेरी घरवाली हॉस्पिटल ओपीडी में चेकअप कराने आई थी, तो लाइन में रुको बोल के सीधा मेरे गार्ड ने थोड़ा धक्का दी। मेरी घरवाली बोली नीचे बढ़ गई, तो मेरी घरवाली को सीधा गार्ड ने सीधा मारना चालू करी। बच्चा साइड में हो गया और पूरी अक्खी मांडी पूरी सूज गई, डंडा टूटे तक मारी उसने। 2 घंटे तक मेरी वाइफ वहीं पड़ी हुई थी, कोई देखने नहीं आया। फिर मैं विमानतल पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ से पुलिस आई, फिर बाद में ट्रीटमेंट के लिए इधर लेके चले गए। क्या अभी तबीयत अभी सीरियस है, चक्कर भी बहुत है यार, पूरे दम ऊपर हो गया। कंप्लेन कर दी। क्या डॉक्टरों का क्या बोलना है? डॉक्टरों का बोलना है अभी कल तक देखेंगे, कल सोनोग्राफ करेंगे फिर देखेंगे बोल रहे। अभी कोई देख नहीं, वो भी अभी समझो तैयार नहीं है। हम गाड़ी पूरे से आए वाले हैं, हम वो पत्री का दर्द था मुझे, सोनोग्राफी करने के लिए आई थी मैं। तो पकड़ के निकाल रहे, बात इतनी करने देते, सोनोग्राफी को आए तो डना पकड़ के हकालते। वो गार्ड वहाँ पे गार्ड बैठते, तुझ लेडीज ही छे।